क्वेश्चन नंबर 5, हमें फाइंड करनी है प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की। तो करते हैं, कैसे करेंगे? कॉस इनवर्स माइनस एक्स हमारा इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के, तो इसे लेट कर लो कुछ वाई कर लेते हैं हमेशा की तरह। लेट वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से इसे हम लिखने वाले हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, है कि नहीं? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे? पाई बाय 1/2 था, तो 1/2 यहाँ पे है, ठीक है ना? तो इसे और सॉल्व कर लो, तो y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में? कॉस 60 की होती है, तो कॉस पाई बाय 3, यस और नो? पाई बाय 3 मतलब 60 होता है। तो अब बात क्या आती है कि क्या मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ? तो हमें चेक क्या करना पड़ेगा कि जो ये y है हमारा रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, y की वैल्यू क्या आएगी वैसे अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो? तो पाई माइनस पाई बाय 3 आएगी, है ना? कैंसिल करने के बाद पाई क्या होता है हमारा? 180 होता है, और पाई बाय 3 क्या होता है हमारा? 60 होता है। तो 180 माइनस 60 मतलब 120, यस और नो? तो y की वैल्यू 120 आएगी, और y क्या रेंज में आ रही है? किसकी बात हो रही है? कॉस इनवर्स की बात हो रही है। तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? अब तक तो याद हो गया होगा आपको, कई बार दिखा चुका हूँ आपको, ये 0 से 180 होती है, क्लोज ब्रैकेट है। तो 180, 0 से 180 के बीच में क्या आती है? 120 वैल्यू है ना इसकी, तो 120 आती है, बिल्कुल आती है। तो आती है तो हम कैंसिल कर सकते हैं इसे, तो कर दो कैंसिल। तो हमें क्या मिला? वाई इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3, मतलब पाई माइनस पाई बाय 3 एलसीएम लो तो क्या आएगा हमारे पास? 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2 पाई के अपॉन में 3, जो कि बिलोंग करती है हमारे रेंज में, जो कि रेंज क्या है हमारी? 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी? कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज 2 पाई अपॉन में 3, ठीक है? ये हमारा आंसर आ गया, और हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया ना यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला भी लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि अच्छा लगे देखने में कि हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है? ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने, ओके।